नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण। आप देख रहे हैं करण जॉन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे ओबेज का ST303 2.1 होम थिएटर सिस्टम का, जिसमें आपको 5.0 ब्लूटूथ वर्जन मिलता है और साथ ही में आपको दो स्पीकर मिलते हैं, जो कि 3 इंच का एक स्पीकर है और एक स्पीकर का आउटपुट 10 वॉट RMS है। और इसके साथ जो हमें वूफर मिलता है वो 5.25 इंच का वूफर मिलता है, जो कि 30 वॉट RMS का आउटपुट देता है और ये 50 हर्ट्ज तक डाउन मतलब डीप जाता है, ये कंपनी क्लेम करती है। और जो हमारा टोटल आउटपुट निकल के आता है वो होता है 50 वॉट टोटल आउटपुट होता है। और कंपनी का ये कहना है कि एक अच्छे आउटपुट के लिए आपको इसे 175 स्क्वायर फिट में ही यूज़ करना है। अगर आप उससे ज़्यादा की डिस्टेंस में आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको एक अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में मैंने आपको फीचर्स तो काफ़ी बता दिए हैं, चलो अभी हम इसका करते हैं अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग करेंगे, सबसे पहले आपको ऊपर एक वारंटी कार्ड मिल जाता है और साथ ही में हमें दो ये स्पीकर मिल जाते हैं। और स्पीकर हमने जो फ़ोटो में देखा था वो हमें ब्राउन कलर में दिखता है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक कलर दिख रहा है। और साथ ही में आप आगे देखेंगे कि जो स्पीकर का कलर है और वूफर का कलर है वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। और ये कुछ ऐसा हमारा वूफर है, अभी हम वूफर को बाद में बाहर निकालेंगे और आपको सब साथ में बताएंगे। उससे पहले आप इसका रिमोट देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का ये रिमोट है और रिमोट के साथ हमें सेल बैटरी नहीं मिलती है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का पूरा होम थिएटर है। और मैंने आपको जो बोला था कि इसका सब वूफर का और इसका कलर दोनों का मैच नहीं हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये कलर इसका दोनों का हमारा अलग है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि ये होम थिएटर जब मैंने लिया था तो इसका जो वॉइस में मुझे काफ़ी दिक्कत आ रहा था, मैं यहाँ से इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी डिस्टॉर्शन मिल रहा था। और साथ ही में ये जो आपको AV आपको जो ये केबल दिख रही हैं, इन्हें मैं जो ऑक्स केबल को यहाँ से हिला रहा था तो इसमें खर खर करके आवाज़ आ रही थी, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि न्यू होम थिएटर में ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आप इसका एक बार साउंड टेस्ट ज़रूर सुन लें और आप इसका साउंड टेस्ट सुनते वक्त हेडफोन का ज़रूर यूज़ करें। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये परचेज करना है या नहीं करना है और किन किन लोगों को ये परचेज करना है और किन किन को नहीं करना है। मैंने कुछ टाइम बजाया और 2 घंटे बाद इसका जो है वूफर बंद हो गया। मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन नहीं बजा। अगर आपको लेना है तो आप इसको परचेज कर सकते हो, वारंटी आपको इसकी मिलती है, लेकिन मैंने इसको रिटर्न कर दिया, फिर कोई और ब्रांड का परचेज करने की सोच रहा हूँ। तो आपको कैसा लगा है आप वॉइस में सुन सकते हो, मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा। अगर आप 100 स्क्वायर फिट के अंदर सुनते हो तो ठीक है, नहीं तो ये कुछ अच्छा नहीं है। तो दोस्तों बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।